बड़ा कमाल का मैच था और भारत के खिलाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी हार। एशिया कप ने भारत ने पाकिस्तान को धूल चटा दी है। के राहुल के शतक के बाद कुलदीप यादव का कहर। एशिया कप 2023 के सुपर फोर में भारतीय टीम ने अपने पहले मैच में शानदार जीत हासिल की है। जी हां, विराट कोहली और केएल राहुल के शानदार शतक के बाद पाकिस्तान को 228 रनों से मात खानी पड़ी है। आपके आसपास भी पटाखों की आवाज आ रही होगी क्योंकि मुंबई सहित देश भर में आतिशबाजी शुरू हो गई है, क्योंकि भारत ने मुकाबला जीत लिया है और वो भी पाकिस्तान के खिलाफ। एक बार फिर लोग कह रहे हैं कि बेटा बाप बाप होता है। बारिश हुआ, उसके बाद रिजर्व डे पर मुकाबला खेला गया। रिजर्व डे में बारिश ने फिर खलल डाला। थोड़े टाइम बाद मैच शुरू हुआ, लेकिन बाद में पाकिस्तान की गेंदबाजी जब आई, बल्लेबाजी जब आई, तभी भी बारिश हुआ, लेकिन भारत को जीतने से कोई नहीं रोक सका। आपको बता दें, क्रिकेट के इतिहास में पाकिस्तान के खिलाफ भारत की सबसे बड़ी ऐतिहासिक जीत है ये। भारत ने इतिहास रच दिया है और क्या तारीफ की जाए कुलदीप यादव की। कुलदीप यादव ने जो कहर बरपाया है, पाकिस्तानी गेंदबाज अब कुलदीप यादव के नाम से थर थर कांपेंगे पाकिस्तानी बल्लेबाज। चलिए मैच के आंकड़ों पर थोड़ा नजर डाल लेते हैं। ये 10 सितंबर को ये मैच दरअसल होना था, लेकिन बारिश फिर खलल डाल दी। इसके बाद मैच को आज 11 तारीख को खेला गया। इस बार भारतीय टीम ने कोई मौका नहीं गवाया और पाकिस्तान को 228 रनों से बुरी तरह से रौंद दिया। बता दी, मैच में भारतीय टीम ने सोमवार को टॉस हारकर पहले बैटिंग करते हुए 24.1 ओवर में 2 विकेट गवाकर 147 रन बनाए थे। इसके बाद बारिश आई और मैच रुक गया। मैच नहीं हो पाया। केएल राहुल 17 और विराट कोहली 8 रन बनाकर नाबाद थे। फिर मैच को एक दिन बाद यानी आज शुरू किया गया। भारतीय टीम ने रिजर्व डे पर क्या कमाल किया है भाई, मानना पड़ेगा केएल राहुल को। क्या कमबैक, ऐसा कमबैक हर कोई चाहेगा। जिस तरीके से केएल राहुल और विराट कोहली ने भारतीय टीम की पारी को आगे बढ़ाई, क्या तारीफ की जाए उसकी। यार आप लोग इंतजार किस बात का कर रहे हैं, जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आज के मैच में आपको सबसे बेहतरीन खेल किसका लगा। विराट कोहली, केएल राहुल, बुम बुम बुमराह, कुलदीप यादव, क्या कहेंगे आज। पाकिस्तान के 2 खिलाड़ी भी हालांकि इंजर्ड हो गए। काफी बारिश की वजह से मैच में मजा नहीं आया, साजिद अहमद ऐसा कह रहे हैं, लेकिन खैर मैच पूरा हुआ और मैच में भारत ने 228 रनों से ये जीत हासिल की। आसान नहीं था। भारत सुपर फोर में भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया है, कमाल है। जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करिए। केएल राहुल और विराट कोहली पर थोड़ा बात कर लेते हैं, क्योंकि उनको नहीं वो किया जा सकता नजरअंदाज। रिजर्व डे में राहुल और कोहली ने पाकिस्तानी गेंदबाजों को जमकर धोया। राहुल ने 106 गेंदों पर 111 और कोहली ने 94 बॉल पर 122 रनों की नाबाद पारी खेली। दोनों के बीच 194 गेंदों पर 233 रनों की साझेदारी हुई। कोहली राहुल की इस पारी के बदौलत मैच में भारतीय टीम ने 2 विकेट गंवाकर 356 रन बनाए। मुकाबला जीतने के लिए पाकिस्तान के सामने 357 रनों का टारगेट था, लेकिन पूरी टीम महज 32 ओवरों में 8 विकेट पर 128 रन ही बना सकी। टीम के 2 खिलाड़ी हारिस रऊफ और नसीम शाह चोट के कारण बैटिंग के लिए नहीं उतरे। पाकिस्तानी टीम के लिए फखर जमा ने 27 रन, जबकि आगा सलमान और इफ्तिकार अहमद ने 23-23 रन ही बनाए, जबकि भारतीय टीम के स्टार स्पिनर कुलदीप यादव ने पाकिस्तानी बल्लेबाजों के पसीने छुड़ाते हुए 4 विकेट चटके। कमाल का मैच था। अब देखिए, भारत और पाकिस्तान के मैच का जो क्रेज होता है वो क्रेज अलग होता है।
बहुत अलग। पहली जब मैच जब पाकिस्तान के खिलाफ पहला मैच था भारत का, तो थोड़ा जो प्रदर्शन था भारतीय टीम का, ओपनर्स ने उतना खास प्रदर्शन नहीं किया था, रोहित शर्मा नहीं चल सके थे, गिल नहीं चल सके थे, लेकिन आज के मैच में भारत की वो टॉप बैटिंग लाइनअप जो फैंस देखना चाहते थे, वो काफी अरसे बाद, काफी सालों बाद फैंस को देखने को मिली, लेकिन जब मिली तो भाई मजा आ गया। कमेंट कर बताइए कि आपको सबसे अच्छी बैटिंग, सबसे अच्छी बॉलिंग, आप इस मैच का हीरो किसे मानते हैं। नितेश प्रधान कहते हैं बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। और प्रमोद यादव यहां पर कह रहे हैं कि कुलदीप यादव ने बेस्ट बॉलिंग की। जी हाँ, कुलदीप यादव को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। चांद मलिक कह रहे हैं कांग्रेचुलेशंस। जी हाँ, हर एक भारतीय को मुबारकबाद। भारत जीता है, टीम इंडिया जीती है, हिंदुस्तान जीता है, वो भी इतिहास की सबसे बड़ी जीत भारत के लिए पाकिस्तान के खिलाफ। और पाकिस्तानियों के लिए थोड़ा निराशा जरूर, देखिए पाकिस्तान में शायद अब टीवी वीवी तोड़ने की शुरुआत हो गई होगी, आग बबूला होंगे, लेकिन चलिए मैच है, गेम है, कोई हारेगा तो कोई जीतेगा, कोई जीतेगा तो कोई हारेगा, चलिए सब खैर चलता रहता है। लेकिन काफी ज्यादा मीम्स बनेंगे सोशल मीडिया पर, काफी ज्यादा ट्रोल किया जाएगा, लेकिन तारीफ के काबिल तो है भाई विराट कोहली और केएल राहुल। एकदम करियर के लो पॉइंट से फिर उठकर आए हैं। केएल राहुल अभी आईपीएल में चोटिल हो गए थे, जिसके बाद सर्जरी के लिए वो बाहर गए थे। वर्ल्ड कप के लिए ऐसा माना नहीं जा रहा था, उम्मीद नहीं की जा रही थी कि केएल राहुल होंगे, लेकिन केएल राहुल को मौका दिया गया और केएल राहुल ने अपने आप को प्रूफ किया कि भाई मैं हूँ इस काबिल कि मुझे टीम इंडिया में मौका दिया जाए। रविकांत शर्मा बोला कि बोलो इंडिया जीता है। मनोज यादव कह रहे हैं कुलदीप यादव, पाकिस्तानियों को उनकी औकात पता चल गई। रितेश मौर्य और यासिर कह रहे हैं विराट कोहली माय फेवरेट बैट्समैन। एमडी अनवारुल कह रहे हैं ऐसे तो सब हीरो है, लेकिन विराट और कुलदीप रियल हीरो है। जोएब बलोच कह रहे हैं किंग कोहली इज बेस्ट। चंदन झा कह रहे हैं रोहित चला, तो सबकी बैंड बज गई। देखिए बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, अगर किसी का कमेंट मैं ना नहीं पढ़ पाऊँ तो माफ़ी चाहूँगी। अल्ताफ अंसारी विराट कोहली हीरो है। इब्राहिम अली, कुलदीप और विराट कोहली को मान रहे हैं वो। राजकुमार मौर्या कांग्रेचुलेशंस कह रहे हैं। चलिए कमेंट करते रहिए और भारत की जीत का, इंडिया की जीत का जश्न मनाइए, क्योंकि भाई जीता तो हमारा देश है। और फटाके फूट रहे हैं हर जगह, लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं जय हिंद, वंदे मातरम के जय घोष हर जगह सुनाई दे रहे हैं। और गणेश कुमार शुक्ला कह रहे हैं क्या छक्का था कोहली का लास्ट बॉल पर। रंजन कुमार कह रहे हैं आप बाप बाप होता है, बेटा बेटा, बिल्कुल सही। इंद्रजीत टाइगर कह रहे हैं जय श्री राम। कैली कह रहे हैं माफी बधाई, छा गए भारत का। और कॉन्ग्रेचुलेशंस टीम इंडिया, बेस्ट हीरो कुलदीप कोहली। केशव पांडे जी ने कहा है, केशव पांडे ने कहा है कल के मैच का इसी तरह से उम्मीद है। जी हाँ, कल भी इंडिया का मैच है श्रीलंका के साथ। मैंने अगर मैच विराट कोहली को होना चाहिए था मैन ऑफ द मैच, आई थिंक ये कहना चाह रहे हैं रंजन कुमार। तो मैच काफ़ी ज़्यादा जैसा उम्मीद था वैसा रहा, भारत के पक्ष में फैसला आया, टीम इंडिया जीत गई। कमेंट करते रहिए, अपना प्यार बरसाते रहिए, इंडिया को सपोर्ट करते रहिए। इंडिया कहे, भारत कहे, हिंदुस्तान कहे, है तो हमारा ही देश, हम सब भारत के ही नागरिक हैं। और फिलहाल पाकिस्तानी खेमे में काफ़ी ज़्यादा मायूसी का माहौल।